तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाई इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D में एक बहुत ही बड़ा अपडेट चल रहा है, जिसमें बोलेरो कार और जो है जेट पैक ऐड हो चुका है। बट आज तक किसी ने भी आपको बोलेरो का चीट कोड नहीं दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बोलेरो का चीट कोड, बोलेरो कार को कैसे लेना है, और ड्राइव करके भी दिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को कि बोलेरो कार ड्राइव में कैसी लगती है। और यह 7 सीटर कार है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है हमारे इंडियन बैग ड्राइविंग 3D गेम में। तो गाइस ये जो है आप लोग कैसे ले सकते हो, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा पूरा आज की इस वीडियो में। और गाइस बोलेरो के साथ साथ एक और बड़ा न्यू अपडेट ऐड हो चुका है हमारे गेम के अंदर। पहले देखो आप लोगों को मैं इसकी ड्राइव दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो, इसको मैं रोड पे लेके आ गया हूँ और थार से भी अच्छी चलती है ये, मतलब थार से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है। और गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बट इसका डिफ़ॉल्ट कलर जो है सिल्वर टाइप का है। और गाइज इसके साथ साथ एक और बड़ा अपडेट आया है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो अपडेट है भाई हमारा पुलिस स्टेशन का। तो आप लोगों को पता है कि अभी तक हमारे इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था। तो वो जो अपडेट आया है वो है कि भाई हमारे शहर में इस इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D के सिटी में एक नया पुलिस स्टेशन ऐड हुआ है। और ये बिल्कुल सच बात है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे एक नए घर का अपडेट आने वाला है, जो घर हमारे बिल्कुल सामने इस जगह पे होगा, ये बिल्डिंग हाउस के पास। तो उस अपडेट के साथ जो है ना हमारा पुलिस स्टेशन भी ऐड हो रहा है। और वो जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके हम जो है ना अपने रिपोर्ट कर सकते हैं जो भी मसला है, या उसमें हम जो है ना कोप की जॉब ले सकते हैं, मतलब हम पुलिस मैन बन सकते हैं, अपनी एक जॉब ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ गेम्स के अंदर होता है ये, और ये अब हमारे गेम में भी होगा कि जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाओगे तो आप लोगों को जो है क्रिमिनल्स जो भी होंगे जिन्होंने क्राइम किया होगा, या फिर जो भी चोर वगैरह डकैत वगैरह होंगे, उनके आपको पोस्टर्स मिलेंगे और बताएंगे, उनके बारे में क्लू देंगे कि यार ये अगर आप लोगों को मिल गया तो आप लोगों को इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे, तो उससे जो है ना आप पैसे भी कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाओगे और आपको एक चोर की तस्वीर दिखेगी, फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि यार इसको ढूंढो, और फिर आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो इतने ना डिफरेंट अमाउंट्स आपको मिल सकते हैं। तो पुलिस स्टेशन में ना बहुत सारे फीचर्स ऐड होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर सबसे पहले आप पुलिस बन सकते हो, दूसरा आप अपनी कोई रिपोर्ट करा सकते हो कि यार इस बंदे ने कुछ किया, ऐसा कुछ किया है, और बंदा आपकी भी रिपोर्ट करा सकता है इस गेम में जितने भी बंदे हैं, क्योंकि अब ये गेम मल्टीप्लेयर होने वाला है। तो दूसरा बंदा आपकी भी रिपोर्ट करा सकता है और ये गेम फुली मल्टीप्लेयर हो जाएगा, जिसमें जो है आप और मैं भी ऑनलाइन खेल सकते हैं आपस में। तो यार इससे जो है ना दूसरा बंदा भी रिपोर्ट करा सकता है पुलिस स्टेशन में जाके, और जो हम हैं वो भी दूसरे बंदे ही करा सकते हैं रिपोर्ट। और गाइस तीसरी चीज़ ये है कि हम जो है ना कोप की जॉब ले सकते हैं, यानी कि एक पुलिस मैन बन सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो है ना अर्निंग कर सकते हैं इस गेम में और बहुत ज़्यादा जो है ना अमीर बन सकते हैं इस गेम में। और गाइस चौथी चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यार हमें जो है ना क्रिमिनल्स पकड़ने होंगे, और वो जो भी बोलेंगे पूरे शहर में से ढूंढ के लाना होगा, और जिसको पकड़ लिया या फिर उसको मारना होगा या फिर उसको पकड़ के लाना होगा, तो उसके जो है ना हमें पैसे मिलेंगे उस चीज़ के। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट होने वाला है कि पुलिस स्टेशन इसमें ऐड हो जाएगा। और गाइस अब बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में कि यार एक जो है ना नया हाउस लीक हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल सारे यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं कि यार बहुत सारे जो है ना हाउस ऐड हो रहे हैं, और जो है ना हमारा एक मेन हाउस ऐड होने वाला है जो कि बिल्डिंग हाउस के पास है, जो कि मैंने आप लोग अपनी वीडियो में दिखाई है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिखाया ही होगा। तो वो तो ऐड हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो है ना बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यार एक नया टाइप का घर ऐड हो रहा है, और वो जो है ना लीक हुआ है, उसकी पिक्चर लीक हुई है, जो कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल पे भी देख ली होगी। तो यार वो घर का क्या सीन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जो घर है भाई वो गलती से जो है ना किसी से लीक हो गया है। वो पुराना एक अपडेट है, पुराना बहुत ही पुराना इंडियन बैग्स ड्राइविंग 3D का अपडेट है, उसका जो है ना बहुत पुराना वर्जन है। तो उसकी जो है ना एक पिक्चर लीक हुई है किसी से, मतलब लीक नहीं हुई, किसी ने डाल दी होगी ऐसे। तो आप लोग समझो कि यार कि वो वाला घर ऐड होने वाला है, वो ऐड नहीं होने वाला, वो हमारे एक बहुत ही पुराने वर्जन का जो है ना है एक हाउस। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं रियल अपडेट क्या आने वाला है कि जो हमारे डेवलपर्स ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है ना ऑप्शन दिए थे कि यार ऑप्शन 1 लोगे या ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ये था कि आप लोग अगर ऑप्शन 1 लेते तो हमारा जो है ना बिल्डिंग हाउस के साथ हमारा जो नया घर ऐड होने वाला होता है ऐड होने वाला है वो होता और बिल्डिंग हाउस होता। और दूसरे ऑप्शन में ये था कि अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट हाउस है वो और नया हाउस जो ऐड होगा वो होगा, क्योंकि उन लोगों को डेवलपर्स को कोई भी दो घर रखने। तो आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया था ऑप्शन 2 कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट हाउस है वो और बिल्डिंग हाउस रखें। तो यार अब मैंने डेवलपर से बात की थी, उन्होंने बोला था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऑडियंस ने बताया कि ऑप्शन 2 ज़्यादा बेटर है। तो उनका 90% चांस है भाई, पूरा 90% उनका चांस है डेवलपर का कि वो जो है ऑप्शन 2 को ऐड करें, यानी कि हमारा जो डिफॉल्ट हाउस है वो और जो है हमारा नया हाउस ऐड होने वाला है वो ऐड करें। तो गाइस अब आप लोग देख लो, मैंने आपके लिए बात की थी डेवलपर से, तो उन्होंने जो है हमारी बात मान ली है, बट अभी भी सिर्फ 10% चांस है कि हमारा जो है ना बिल्डिंग हाउस रहे इस गेम में, वरना तो हमारा जो
गाइस दूसरा हमारा डिफ़ॉल्ट हाउस है वो और न्यू हाउस ही होगा, मतलब 90% इसके ही चांसेस हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल यार मैं कोई अच्छी सी बाइक मंगवा लेता हूँ, तो यहाँ पे गाइस मैं मंगवा लेता हूँ कोई अच्छी सी कावासाकी वगैरह मंगवा लेता हूँ। ओके गाइस यामाहा R15 है, कावासाकी निंजा H2R मंगवा लेते हैं, 3000 इसका चीट कोड है, आप लोग भी याद कर लो अगर आप लोग को चाहिए तो। तो भाई 3000 लिखते ही हमारी आ जाएगी यामाहा निंजा H2R, और ये बहुत ही फास्टेस्ट कार है यार, बाइक है यार, सॉरी कार बोल दिया। ओके गाइस तो आप लोगों को समझ आएगी होगा कि यार क्या अपडेट आने वाले और क्या नहीं आने वाला। पुलिस स्टेशन जो है भाई वो तो कंफर्म है, पुलिस स्टेशन और जो हमारा हाउस है वो तो कंफर्म है, बट जो थंबनेल पे आपने उन्होंने पिक्चर देखी हाउस की वो इतना कंफर्म नहीं है, वो जो है ना कच्चा पक्का है, क्योंकि वो जो है ना एक पुराने वर्जन की तस्वीर डाली है किसी ने, और हो भी सकता है कि यार पुराने वर्जन का हाउस ऐड कर दें, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मे बी इट्स पॉसिबल यार, भले एक बंदे ने उसकी पिक्चर डाली है लेकिन वो ऐड हो भी सकता है। और गाइस यार आप क्या कहोगे कि ऑप्शन 1 चाहिए था कि ऑप्शन 2, आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लगा था कि हमारा डिफॉल्ट हाउस होना चाहिए नए घर के साथ या फिर हमारा बिल्डिंग हाउस होना चाहिए नए घर के साथ। सो गाइस आप लोग भी मुझे अपने कमेंट्स में जो है ना राय बता देना कि यार आप लोग क्या बोलना चाहोगे इस अपडेट के बारे में। और गाइस ये अपडेट की अब हम बात कर लेते हैं फाइनल डेट के बारे में कि अपडेट कब लॉन्च होने वाला है। जैसे कि गाइस अभी आप लोगों को पता है कि हमारा एक लेटेस्ट अपडेट आया था जिसमें हमारा जो है ना न्यू कुछ व्हीकल्स ऐड हुई हैं और जो है ना गाइस हमारे RGS टूल ऐड हुआ है, तो अब इतना जल्दी तो दूसरा अपडेट आ नहीं सकता। तो अब मैं आप लोगों को जो है ना कंफर्म बात बताता हूँ कि यार ये अपडेट कब तक ऐड हो सकता है हमारे गेम में। तो गाइस देखो कंफर्म बात जो मुझे और काफ़ी यूट्यूबर्स ने हम लोगों ने डिस्कस की थी आपस में, तो वो ये पता चली है कि यार अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ क्या चल रही है पूरी दुनिया में, अभी आ रहा है न्यू ईयर, तो गाइस 2024 आ रहा है वैसे आप लोगों को एडवांस में न्यू ईयर जो है ना हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। तो वैसे आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर आ रहा है और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर ने हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 95% चांसेस हैं कि ये अपडेट लॉन्च हो न्यू ईयर पे, और बिल्कुल आप लोगों को 1 जनवरी को ये अपडेट देखने को मिल सकता है, 95% चांसेस है गाइस, क्योंकि जो है अभी सबसे बड़ी चीज़ न्यू ईयर ही आ रहा है और गाइस न्यू ईयर पे ही ये अपडेट आ सकता है। और अभी रिसेंटली ही हमारा RGS टूल का ये अपडेट ऐड हुआ है, तो इतना जल्दी तो आ नहीं सकता, अभी मतलब समझ लो महीना डेढ़ महीना पड़ा है इस अपडेट में। जब तक जो यार आप लोग अपने ये वाले अपडेट को एंजॉय करो, क्या पता बीच में कोई छोटा मोटा अपडेट आ जाए, बट अभी जो डेट पता चली है भाई वो यही है कि जो है ना न्यू ईयर पे 95% चांसेस है कि आ जाए ये अपडेट। और यार आप लोग क्या कहना चाहोगे कि ये अपडेट कब लॉन्च होना चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। और हाँ आप लोगों को जो भी इस गेम के बारे में मिथ पता है या फिर आप लोगों को जो भी इस गेम के बारे में पूछना है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट डेवलपर से बात करके आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। और गाइस यार आज जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट आउट भी देने वाला हूँ, तो शॉर्ट आउट सबसे पहले यार जाता है पवन सिंह को, और दूसरा शॉर्ट आउट जाता है गाइस त्यामी साहिल को। तो गाइस ये दो बंदों को आज का शॉर्ट आउट जाता है, इन दोनों को सपोर्ट करो यार, और बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप लोगों को भी हमारी वीडियो में शॉर्ट आउट चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ये दो काम करके डन लिख दो कमेंट्स में, और जिसने वीडियो एंड तक देखी और जो डन लिखेगा उसको जो है ना मैं शॉर्ट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइस आप लोग को जो भी मसला हो वो मुझे कमेंट्स में पूछ लिया करो, यही था आज का हमारा नया अपडेट जो मुझे आप लोगों को डिस्कस करना था। और गाइस दुआ करो कि न्यू ईयर पे अपडेट आ जाए, और आप लोग भी मुझे बता देना कि कब ये अपडेट आना चाहिए, तो यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल में, तो सब्सक्राइब कर देना, और यार ये दोनों काम करके जो है ना कमेंट में बता देना कि यार आप लोगों ने जो है ना सब्सक्राइबर लाइक कर दिया, डन लिख देना ताकि मैं समझ आप लोगों ने कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर शॉर्ट आउट दूंगा, और जिसने ये दोनों स्टेप्स किए होंगे उनको तो जरूर ही मिलेगा। तो आप लोगों को कोई मिथ या फिर कोई भी नई चीज़ पता है इस गेम के बारे में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।